अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज प्रैक्टिकल यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज अब हमने देखना है कि हम कौन कौन से प्रैक्टिकल यूज है। बस ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, थोड़े से रिस्क होंगे इसके बाद। वो मीन्स के टू लेक्चर्स और हो जाएंगे तो आपका इंशाल्लाह ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। और आज के टॉपिक में हमने इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस देखनी है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए ये दोनों काम क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, और इसके अलावा फुल वीडियोस को वॉच किया करें। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो किया करें, और डीएम करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके मुताबिक। हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्रैक्टिकल यूज एक्चुअल में है क्या या क्यों हम इसको करते हैं? क्योंकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंट वेरिएशन करके क्रिएशन करते हैं, यानी एक नई चीज बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, या उसको कुछ नया उसमें डाल देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को कैरेक्टरिस्टिक बदल जाए, चाहे वो प्लांट के केस में हो, एनिमल्स के केस में हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रोवाइडिंग द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मींस ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप प्लांट्स, के क्रॉप प्लांट्स को इंक्रीज किया जा सकता है। और क्रॉप प्लांट्स में याद रखना है आपने, फसलें जो होती है क्रॉप प्लांट्स में, वो पौधे हैं जो फसलें हैं, ऑर्नामेंटल्स, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग वो वाले प्लांट्स नहीं, फसलें जिसमें आते हैं, या फ्रूट प्लांट्स जिसको हम नहीं कहते। क्रॉप प्लांट्स कहते हैं जिसमें फसलें आती हैं, जैसे ग्रेन फूड्स वगैरह होती है सारी, वो इसमें आती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी, जैसे आप स्पिनच वगैरह कह लें, यानी जो चीज फसल है ना, जिसको हम कह लें आप वेजिटेटिवली ईट भी करते हो, उसको हम क्रॉप प्लांट। इट हैज डिस्टिंक्ट एडवांटेज, इसका एक बिल्कुल मुनफरिद सा फायदा है, एडवांटेज है ओवर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल। उसके ऊपर के हम जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट तरीकों से, कौन कौन से हम यूज करते हैं, जैसे हम ब्राउट अबाउट बाय द नेचुरल, यानी जो नेचुरल मेथड्स हम पढ़ चुके हैं पहले, और इसके अलावा जो हम सोमैटिक मीन्स पढ़ चुके हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पढ़ चुके हैं, उससे बेहतर है जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, ठीक है। बिकॉज इट अलाउज द इंडिविजुअल जीन्स टू इंसर्ट इन ऑर्गेनिजम्स, यानी क्योंकि हमें ये अलाउ करते हैं कि हम इन जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं, खुद से डाल सकते हैं, इन प्रिसाइज एंड सिंपल वे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से और आसानी से। इन एडिशन टू द स्पीशीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, के अलावा जो भी स्पीशीज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, यानी हम जिनके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ट्रांसफर, दे आर डू नॉट हैव टू बी कैपेबल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उनको ये नहीं है कि वो कैपेबल हों कि हाइब्रिडाइज कर सके विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। क्योंकि आपको पता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करना है, चाहे आपने सोमैटिक करना है चाहे नेचुरल प्रोसेस हो रहा हो, उनकी कंपेटिबिलिटी जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, कंपेटिबल हैं, मतवाजन हैं एक दूसरे के साथ, फिर ही वो ज्वाइन कर पाएंगे या हाइब्रिडाइज कर पाएंगे। जबकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक जीन लेना होता है, उसको निकाल के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना होता है, कोई कंपेटिबिलिटी चेक करने की इतनी खास जरूरत इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत फायदे की बात है कि आपको मैचिंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप लेते हो, निकाल के दूसरे में डाल देते हो, वो जीन अपना काम दूसरे ऑर्गेनिज्म में वैसे ही जाके करता है जैसे आपने होस्ट में या ओरिजिनल में जो कर रहा था, अपने अपने जॉइंट वेंचर में कर रहा था, वही काम वो अपने होस्ट मेंबर के अंदर भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस यानी ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिसाइड। यानी ऐसे केमिकल हम क्रॉप्स पे समटाइम डाल देते हैं, जो फसलें वगैरह होती हैं उनके ऊपर डालते हैं, ऐसे केमिकल्स का स्प्रे करते हैं जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, कीड़े मकोड़ों हशरात को मारते हैं। लेकिन अब जाहिर है एक केमिकल है जो आप क्रॉप के ऊपर डाल रहे हो, तो बेशक आप उसको हशरात को मारने के लिए डाल रहे हो, इंसेक्ट्स को असरअंदाज करने के लिए या उनको किल करने के लिए डाल रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उसी क्रॉप के ऊपर भी किसी का किसी तरह इफेक्ट कर सके, कर दे, बुरा कर दे, क्योंकि केमिकल है ना, वो एक केमिकल सी चीज है, तो वो हो सकता है किसी भी तरह वो उस पौधे के ऊपर भी बुरा असर करे। तो इसलिए फिर हम ऐसे प्लांट्स में जिनमें हमें इंसेक्टिसाइड पर स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है, फिर हम उनको पहले जेनेटिकली इंजीनियर कर लेते हैं ताकि उन इंसेक्टिसाइड का उसके ऊपर असर ना हो, ठीक है। ये है इस बात का मकसद। तो कंसिडरेबल प्रोसेस हैज बीन मेड टू अप्लाइंग द प्रोसेस, यानी इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए हम प्रोसेस जो है वो देख चुके हैं, ये काफी बनाए जा चुके हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर यूजफुल जीन्स। हम एग्रीकल्चर यूजफुल जीन जो है वो डालते हैं, यानी ऐसे जीन जो जरूरी तौर पर उनके लिए कारामद होंगे। एंड दीज इंक्लूड द जीन्स, और इसमें कौन से जीन्स है, फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड वायरस, यानी ऐसे जीन जो वायरस, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ जो है वो रेजिस्टेंस कर सकें, यानी उनको मार सकें या उनसे बचाव कर सकें, ऐसे जीन हम इन फसलों में या क्रॉप प्लांट्स में डाल देते हैं।
इन सम केसेस द जीन दैट मीडिएट द पैथोजन रेजिस्टेंस, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिनमें पैथोजन रेजिस्टेंस होती है इन वन स्पीशीज इज आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है एंड ट्रांसफर टू द पैथोजन सेप्टेबल स्पीशी और दूसरी स्पीशी में डाल देता है. यानी एक स्पीशी है जो पैथोजन रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी उसमें ऐसा जीन है जो पैथोजन रेजिस्टेंस था, जो बीमारी लगाने वाले जानवरों से या पैथोजन से जो बचा सकता है. ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आई. अब वो वाला जीन हमने यहाँ से निकाल देना है इस प्लांट से और उसको ऐसे प्लांट में डाल देना है जो डिसीज ससेप्टिबल है या फिर पैथोजन ससेप्टिबल, यानी ऐसा कि जो सेंसिटिव है डिसीज को लेकर, जिसको बीमारी जल्दी से लग जाती है, पैथोजन जल्दी से लग जाता है, तो उसके अंदर फिर हम उसको इंसर्ट करके डाल देंगे ताकि वो भी पैथोजन रेजिस्टेंस बन सके. फिर इसके यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूनोजेनेसिस. बैसिलस थ्यूनोजेनेसिस से हम जीन लेते हैं जिसको बीटी जीन का नाम दिया जाता है, उसी के नाम के ऊपर, बैक्टीरिया के नाम के ऊपर बैसिलस थ्यूनोजेनेसिस से जो जीन लेंगे उसको बीटी जीन कहते हैं. Has been inserted in the plants. उसको प्लांट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है. एंड द जीन कॉल फॉर द प्रोटीन टॉक्सिन. अब इस जीन का क्या काम है, ये ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसको हम प्रोटीन टॉक्सिन कहते हैं, कि एक प्रोटीन का जहर या प्रोटीनी जहर आप इसको नाम दे सकते हो. इट इज स्पेसिफिकली किल्स द बैक्टीरिया बटरफ्लाई एंड द मॉथ लार्वी. जो किसको मारेगी, बटरफ्लाई को और मॉथ लार्वी को. यानी इसमें ऐसा जीन डाला है केमिकल पौधे के अंदर कि जब कोई बटरफ्लाई या लार्वी करीब आएगा, सक करते हैं या अपना पिंग करने की कोशिश करते हैं, आपको पता है वो हमेशा बाइट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर वो केमिकल चला जाएगा और वो उसको मार देगी, लार्वी के वगैरह को भी, जो मौत के लार्वी होते हैं इसके अलावा जो बटरफ्लाई वगैरह उसको भी. नाउन एज द बीटी प्लांट्स. इनको हम प्लांट्स को नाम देते हैं कि ये कौन से प्लांट्स हैं, बीटी प्लांट्स हैं. और इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉर्न की है, मकई के पौधे, उसको बीटी कॉर्न बनाया जा चुका है. इट हैज बीन ऑलरेडी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इसको इंजीनियर कर चुका है इन दिस वे दे मे एंड इट इज रेजिस्टेंट टू डैमेजिंग कॉज बाय द डैमेजेस कॉज बाय द च्यूइंग इंसेक्ट्स. और अब ऐसी कॉर्न वो बन चुकी है कि वो च्यूइंग इंसेक्ट्स से आसानी से रेजिस्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें केमिकल ऐसा डाल दिया जीन, अब वो केमिकल बनाता जाएगा. अब कोई भी बटरफ्लाई आता है, मोथ लार्वी आता है, कोई भी ऐसा इंसेक्ट आता है जो उसको चुबाने की कोशिश करता है या च्यू करने की कोशिश करता है, तो वो उसका केमिकल उसके अंदर चला जाता है, और जब केमिकल उस बॉडी के अंदर जाएगा तो वो मर जाएगा. चाहे वो बटरफ्लाई है, मौत है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्रॉप को या फसल को तबाह नहीं कर सकेगा. तो इस तरह फिर हम जो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट था उसने खुद को बचा लिया बनिस्बत उसके जो सिंपल प्लांट. इसी तरह नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस. अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी ऐसा पौधा होगा जो हर्बिसाइड से रेजिस्ट कर सके. हर्बिसाइड क्या है, वो केमिकल है जो हर्ब्स को मारेंगे. बाज़ औक़ात आप देखते हो कि प्लांट्स ऐसे होते हैं, क्रॉप्स वगैरह हम ग्रो करवाते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है कुछ हर्ब्स ग्रो कर जाते हैं खुद ब खुद ही नेचुरली तौर पे, जड़ी बूटियां वगैरह जिसको हम कहते हैं. कुछ तो होती हैं जो यूजफुल भी होती है, जैसे बाथू वगैरह पालक साग के साथ उग जाते हैं ना, तो वो हम यूज कर सकते हैं. लेकिन कुछ होती हैं जो नहीं होती, जो नुकसानदेह होती हैं. और इसके अलावा ये भी होता है कि वो जो उसका न्यूट्रिशन होता है सारा, जो मेन प्लांट को चाहिए होता है, वो उस हर्ब के अंदर भी चला जाता है, वो उसको यूज करते हैं, तो वो फिर नुकसानदेह चीज हो जाती है उस फसल के यील्ड के लिए, कि उसकी कितनी पैदावार आएगी. तो फिर हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं ताकि किसी भी तरह की जड़ी बूटियां वगैरह ना उग सके वहां पे. तो वो अब जाहिर है हर्बिसाइड वहां पे ग्रो कर रहे, उसने उसको तो मार दिया, तो हो सकता है वो उस पौधे को भी बुरी तरह उस पे बुरे असरात डाले. तो वो फिर हमें ऐसे प्लांट बनाने पड़ते हैं कि हम हर्बिसाइड स्प्रे करें तो फिर वो हर्बिसाइड स्प्रे का उसके ऊपर कोई असर ना हो, मेन प्लांट जो है उसको कोई नुकसान ना. अब पढ़ते हैं कि प्लांट्स हैव बीन इंजीनियर टू रेजिस्टेंस फॉर द हर्बिसाइड्स, यानी सेवरल हर्बिसाइड्स को रेजिस्टेंट करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए प्लांट्स बनाए गए या इनको इंजीनियर किया गया, इंक्लूडिंग द ग्लाइफोस्फेट केमिकल है, ठीक है, जो हर्बिसाइड है जो हर्ब्स को मारेगा, विच वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम, जो सिर्फ एक सिंगल एंजाइम को ब्लॉक करता है, और उसको ब्लॉक करने से हर्ब्स जो है वो अपना कोई भी मेटाबॉलिक साइकिल नहीं चला पाती. आप उसको कुछ भी कह लो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, कोई भी साइकिल एक एंजाइम की जो उसको ब्लॉक करने के रिजल्ट में वो नहीं कर पाएगा, वो हर्बिसाइड वहां पे ग्रो नहीं कर. एसेंशियल टू प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ये उनके लिए है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनाते हैं ना, उन प्लांट्स के लिए जरूरी है ताकि हर्बिसाइड को मारा जा, हर्ब्स को मारा जा सके. अच्छा, उसमें क्या है, ऑल्दो द एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और नॉन टॉक्सिक है. लेकिन ऑल दो, मतलब अब कोई उल्टी बात हम करेंगे, ग्लाइफोस्फेट किल्स ऑल दी प्लांट्स. लेकिन ऐसा होता है कि ग्लाइफोस्फेट जो सब प्लांट्स को मार देता है, इंक्लूडिंग क्रॉप, जो अपनी क्रॉप थी ना उसको भी वो मार देता है. बात की समझ आई. जाहिर है वो एक ऐसा इंजाम है जिसपे, जिसने काम करना है. अब वो जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाने वाला पौधा था, जिसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड वगैरह बन रहे थे, या कोई भी वो उसमें साइकिल था, उसने एंजाइम को ब्लॉक करने की कोशिश की, वो प्रोसेस नहीं हुआ, वो हर्ब्स मर गई. लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो साथ में क्रॉप प्लांट से फसल लगी हुई थी, उस फसल को भी उसने किल कर दिया, या उसके साइकिल्स को भी रोक
दिया। ये नुकसान पहुंचाया ग्लाइफोस्फेट ने। अब क्या किया, इसे बचाने के लिए वन अप्रोच ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द प्लांट्स उसको यूज किया गया, रिजल्टेड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द एंजाइम। उन्होंने म्यूटेंट फॉर्म एंजाइम की आइडेंटिफाई की फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरियम से एक म्यूटेंट फॉर्म मिल गया। म्यूटेंट फॉर्म मतलब उसमें कुछ चेंजेस थे, एंजाइम सेम वही था लेकिन उसमें एक दो पॉइंट पे चेंज था। सेल्मोनेला से ये मिला, डेट इज ब्लॉक द ग्लाइफोस्फेट। वो क्या करता है, वो ग्लाइफोस्फेट को ब्लॉक कर देता है, एंजाइम की ऐसी फॉर्म कि एंजाइम खुद ब्लॉक होने की बजाय वो ग्लाइफोस्फेट को ब्लॉक कर देता है ताकि वो अपना काम ना कर सके। तो ट्रांसफर ऑफ द म्यूटेंट जीन, फिर हम वो जो ट्रांसफर ऑफ जीन था ना, म्यूटेंट जीन जो रिस्पॉन्सिबल था इस एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए, वो म्यूटेंट जीन हम उस पौधे के अंदर डाल देते हैं बाय यूजिंग द टी आई प्लाज्मिड। टी आई प्लाज्मिड के जरिए जो पहले हम प्रोसेस सारा पढ़ चुके हैं, रिजल्टेड इन प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंस टू द हर्बिसाइड। फिर उससे फायदा ये हुआ कि ऐसे प्लांट बने जिनके ऊपर इन हर्बिसाइड्स का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लाइफोस्फेट को मार देंगे तो जो कोई भी आप केमिकल हर्बिसाइड वगैरह डालोगे भी तो वो खुद ही रिएक्ट करके ग्लाइफोस्फेट को खत्म कर देंगे और वहां पे कोई भी जो वो फसल को नहीं होगा। हर्ब्स तो मरेंगी मरेंगी लेकिन फसल को कोई असर नहीं होगा। तो ये फायदा हुआ फिर जब हमने जेनेटिकली इंजीनियर किया। तो हमने दो आज मेन प्रैक्टिकल यूज पढ़े हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आगे दो तीन रहेंगे वो कर लेंगे ताकि लेक्चर लेंथी ना हो। तो आपको समझ आ गई है तो मुझे लाइक्स और कमेंट्स करके जरूर बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।